जय फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, इसे क्या बेनिफिट्स होते हैं साइड्स के ऊपर। देखिए, सेफ्टी इंडक्शन वो होता है कि हमारा काम करने का माध्यम क्या क्या है, काम करने के माध्यम को ही हम सेफ्टी इंडक्शन बोलते हैं, और हमारे साइट पे किस प्रकार का काम चल रहा है उसको करने का जो भी हमारा माध्यम होता है उसको सेफ्टी इंडक्शन हम कहते हैं। सेफ्टी इंडक्शन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि हमें सेफ्टी इंडक्शन के अंदर हमें जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी जो पॉलिसी है, हर कंपनी की एक अलग अलग पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के बारे में उनके साथ डिस्कस करना, वहाँ का जो रेस्ट रूम है या उनका वॉशरूम वगैरह है या लंच रूम है, उनके जो वहाँ के जो एरिया है, असेंबली एरिया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर पॉइंट, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, पीपी के बारे में डिस्कस करना, उनके वेलफेयर के बारे में डिस्कस करना, उन सब चीज़ों को जैसा कंपनी पे वर्क चल रहा है उस वर्क के बारे में डिस्कस करना, वहाँ पे क्या हजार्ड है उस हजार्ड के बारे में डिस्कस करना, और उससे पहले कोई इंसिडेंट वहाँ पे प्रीवियस इंसिडेंट अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस करना। और इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, एक दिन भी चल सकती है, दो तीन दिन भी चल सकती है, और एक हफ्ता भी चल सकती है, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं इसका ड्यूरेशन नहीं, एक घंटा भी चल जाता है, कभी कभी दो तीन घंटा भी चलता है, कभी एक दो दिन भी चलता है, तीन दिन भी चलता है, और कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में ये एक वीक भी चलता है, क्योंकि हर कंपनी की एक अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो हमें एक काम करने का माध्यम, हमें वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में ध्यान रखना, पीपी के बारे में अपने डिस्कस करना, वहाँ का जो रेस्ट रूम है या उनका जो असेंबली एरिया है, फायर पॉइंट है, उनके बारे में उनका रखना, बाकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में पता होना, फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करना, फायर का नंबर के बारे में डिस्कस करना, एम्बुलेंस के नंबर के बारे में डिस्कस करना, ये ही सब हमारे सेफ्टी इंडक्शन के अंदर आती है। इंडक्शन के अंदर कि क्या क्या कंपनी उनको वेलफेयर दे रही है, उनके लिए क्या क्या मेडिकल सुविधा वहाँ पर है, ऐसी उन सब चीज़ों के बारे में पता होना, असेंबली एरिया वहाँ पर कहाँ पर है ये उनको पता होना, कि इनकेस कोई भी इमरजेंसी है, इंसिडेंट एक्सीडेंट की सिचुएशन में वो बंदे वहाँ पर असेंबली एरिया में आ सके, असेंबली एरिया जो सेफ एरिया है वहाँ पर आकर के वो सेफ सुरक्षित खड़े हो सकते हैं, जिससे बाद में हम उनके पर हेड काउंटिंग कर सकते हैं। ये सेफ्टी इंडक्शन के अंदर आता है, ये सब वहाँ पर पता होना चाहिए, उनको ब्रीफिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की, उनके साथ डिस्कस होना चाहिए, ये सब हमारा सेफ्टी इंडक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर बेनिफिट्स में क्या आता है कि अगर उनको सेफ्टी कंपनी की पॉलिसी पता पड़ेगी, हमारी कंपनी कैसे काम करती है ये पता पड़ेगा, हमारा प्रीवियस इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है उसके बारे में पता पड़ेगा, क्या नुकसान हमारा हुआ, क्या होने की वजह रही ये पता पड़ेगा, पीपी के बारे में उनको पता पड़ेगा, अपने काम के रिलेटेड उनको सेफ्टी के बारे में पता पड़ेगा, और जितना भी हमारा वेलफेयर कैसे करती है कंपनी, कितना रेस्ट रूम है, ड्रिंकिंग वाटर दे रही है हमें, क्या क्या फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, बस फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, रहना खाना पीना जो भी हमारा वेलफेयर के अंदर दिया हुआ है वो सेफ्टी इंडक्शन के बेनिफिट के अंदर आता है, वहाँ पे डिस्कस होगा, उनको ये सब चीज़ें पता पड़ेगी। और सेफ्टी इंडक्शन का सबसे अच्छा मीनिंग यही है कि सेफ्टी इंडक्शन काम करने का एक माध्यम होता है, कि किस माध्यम से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी है, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, और वर्क साइट पे किस प्रकार का खतरा हो सकता है, किस प्रकार का काम चल रहा है उससे रिलेटेड क्या खतरा हो सकता है, क्या हजार्ड वहाँ पर है उसके बारे में डिस्कस करना, पीपी के बारे में डिस्कस करना, तो जो भी वहाँ इंसिडेंट कुछ दिनों पहले में हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना, तो ये सब वहाँ पे इंडक्शन के अंदर आता है। कि फिर उसके बेनिफिट्स के अंदर भाई हमारा ये एक्सीडेंट इंसिडेंट क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये सब बेनिफिट्स के अंदर आता है। और उसके बाद में हमारा जो बेनिफिट के अंदर हमारा पीपीस के बारे में उनको पता पड़ेगा, हमारी कंपनी पॉलिसी के बारे में पता पड़ेगा, कंपनी के वेलफेयर के बारे में पता पड़ेगा, उसके बारे में पता पड़ेगा, तो डिस्कस हुआ वहाँ पे, तो यही सेफ्टी इंडक्शन के अंदर आता है। और फिर भी अगर कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।